सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गेमिंग आइकॉन एंड इस वीडियो में हम, हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ फास्टेस्ट प्लेयर इन फ्री फायर तीन दिन में आप लोग कैसे अपने मूवमेंट स्पीड को एंड जिसमें वन टैप भी आप लोग बहुत ही इजीली मार पाओगे एंड आपका मूवमेंट स्पीड गॉड लेवल हो जाएगा तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखना वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं कैसे मूवमेंट करके वन टैप वगैरह मार रहा हूँ तो ऐसे ही आप लोग भी मार पाओगे तो वीडियो को पूरा वॉच करना वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड गाइज सबसे पहले तो आपको सॉरी कि मैं तीन चार दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया गाइज बिकॉज मैं बाहर घूमने गया था और उसके मैंने व्लॉग्स बनाए हैं तो व्लॉग्स जरूर देखना व्लॉग भी आने वाले बहुत ही जल्दी तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम एंड जैसा कि मैं यहाँ पर वन मार रहा हूं। ऐसे भी आप लोग मार पाओगे लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा चलो यार बिना आपका टाइम कवा वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो तो बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर वन की तरफ गाइस हमारी टिप नंबर वन होने वाली इंक्रीज मूवमेंट स्पीड अब देखो गाइज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं इस एनिमल को कैसे खत्म करता हूँ कैसे मूवमेंट करके मैं इसको खत्म कर रहा हूं ठीक है और मैं इतना फास्ट ग्लूवल लगा रहा हूँ कि एनिमी मेरे को पकड़ ही नहीं पा रहा देखो जैसे एनिमी खुले में आया मैंने तुरंत लाल लाल मारा और दूसरा एनिमी जैसे मारने आ रहा था मैंने तुरंत इसको ग्लोव से पैक करके इसको खत्म कर दिया तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर स्किल्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए इस मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए दो कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले नटी मूवमेंट जिससे क्या होगा कि जब भी कोई एनिमी आपको डैमेज देगा तो 20 परसेंट आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ट्वेंटी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड दूसरा है जो कि कैली कैरेक्टर ये दो तो करेक्टर से आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ेगा ठीक है कभी भी आप लोग कस्टम खेलो या रैंक खेलो अगर आपको मूवमेंट स्पीड को बनाए रखना है आपको इंप्रूव करे रखना है तो आपको इन दो करेक्टर स्किल को जरूर यूज करना होगा गाइस हमारी टिप नंबर टू होने वाली है हाउ यू एलिमिनेट यानी कि क्या क्या गलती करके आप एनिमी से किस टाइप से मरते हो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैं कैसे कैसे एनिमी से मर रहा हूं तो सबसे पहले गाइज जो यहाँ पर मैंने जो गलती की है इन गलतियों को आपको नहीं करना है इन गलतियों को अवॉइड करना है जिससे कि आप लोग मरोगे नहीं आप गाइज एनिमी भले ही सामने वाला नूब हो ये हो वो हो ये मैं दो टिप्स बताता हूँ जिससे कि आप लोग मरोगे नहीं और अगर आप नहीं मरोगे तो आपके जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा काफ़ी सारे बंदों को देखते हैं कि वो गाइज नूब वॉक करते हैं तो गाइज आपको नूब वॉक को अवॉइड करना है नूब वॉक से क्या होता है कि आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो एक्सपोज होता है अगर सामने वाला एनिमी थोड़ा सा भी ड्रेक करता है तो आपको हेडसेट लग जाता है आप लोग मर जाते हो बलिव सामने वाला नोव भी क्यों ना हो तो गाइस सबसे पहले ट्रिक है कि आपको नहीं मरने के लिए नोव वॉक को अवॉइड करना है कभी भी नोव वॉक नहीं करना है नोव वॉक करो तो आपको कैरेक्टर को फुल्ली एक्सपोज नहीं करना है एक सेकंड के लिए करो ग्लूवल लगाओ एक सेकंड के लिए करो ग्लूवल लगाओ गाइस टू नंबर पॉइंट बताना चाहूंगा कि कितने भी आप प्रो, प्रो प्लेयर हो अगर आप ऐसे रस करोगे एकदम एनिमी के सामने एनिमी ग्लूवल के कवर में तो ऑब्वियसली आप लोग को मार देगा तो कभी भी आपको सीधे रस नहीं करना है जैसे कि आप हो तो मैंने जो किया गलती ऐसा गलती कभी आपको नहीं करना कभी भी एकदम सीधा रस नहीं करना जब एनिमी सामने ग्लोबल के कवर में हो तो ये टिप्स को ध्यान रखना आप कभी भी एनिमी से इतना आसानी से नहीं मरने वाले हो ठीक है तो अभी बात करते हैं अपना पॉइंट नंबर थ्री हमारा टिप नंबर थ्री होने वाला है हाउ टू किल एनिमी आप अगर आपको वन टेप मारना आता है तो आप वन टेप से भी मार सकते हो एनिमी को लेकिन अगर आपको वन बंटे मानना नहीं आता है तो मैंने जो पहले टिप्स बताया था उनको फॉलो करके आपको खेलना है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हुआ है कि इसकी मैं किस कैसे इस एनिमी को मारता हूँ मैं कैसे कवर में रहता हूँ एनिमी के पहली चीज़ जो गाइस एनिमी के आपको पकड़ में नहीं आना है इतना फास्ट मूवमेंट करना है कि एनिमी आपको पकड़ ही नहीं पाए जैसे कि एनिमी ने मुझे यहाँ पर डैमेज दिया तो मैं तुरंत ग्लोबा लगाकर पीछे भाग गया एंड यहाँ पर मैंने फास्ट मेडिकेट कर लिया तो अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे कि आप लोग की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी तो दोस्तों जब आप एनिमी को मारने जाओगे तो ऑब्वियसली गाइज आपको भी डैमेज तो पड़ेगा एंड आप लोग भी मरोगे ठीक है मतलब आपका भी हेल्थ कम होगा तो उसको गाइज रिकवर करने के लिए मैं आपको दो ऐसे कैरेक्टर स्किल बताता हूँ जिससे कि आप उसकी अपनी जो हेल्थ है उसको बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हो ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा कैरेक्टर रखना है तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहला कैरेक्टर है जो कि गाय स्कैलर आप देखो स्कैलर का, का काम क्या होता है कि जैसे आप स्कलर को मतलब ग्लोर लगाओगे तो आपको स्कैलर एच पे देगा एंड ग्लोर लगाकर आप एनिमी से दूर भागोगे तो आपको एचपी मिलेगी दूसरा है गाइज जो कि आपकी मेडिकेट को फोर्टी परसेंट फास्ट भागने के लिए मतलब फोर्टी परसेंट आपकी मेडिकेट फास्ट होगी उस दो कैरेक्टर को यूज़ करना है जिससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही जल्दी मेडिकेट मार पाओगे जैसा कि यहाँ पर मैं अभी आपको समझा देता हूँ गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरी हेल्थ वन थर्टी फाइव है ठीक है तो जैसे ही मेरी हेल्थ मतलब बहुत ही कम बची मैंने तुरंत क्या किया लगा दिया वो पीछे किया जो कि मेरे स्कैलर के यहाँ पर हेल्थ काम किया एंड यहाँ पर मैं फास्ट ग्लो मेडिकेट लगावाया ओनली डेढ़ सेकंड में और ये दो करेक्टर गाइज बहुत ही यूजफुल थे तो इन दो करेक्टर को आपको यूज करना है गाइज कुछ ही सेकंड में मेरा एचपी फुल हो गया एंड अब मैं इस एनिमी को बहुत ही इजीली मार पाऊंगा एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं इसको कितना जल्दी मारता हूँ कैसे एड मार के खत्म करता हूँ तो यहां पर जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि मैं किस टाइप से इस को खत्म करता हूं कभी भी आपको रस करो तो ग्लोवाल लगाकर करना है खुले में आपको रस नहीं करना है ठीक है और फाइनली इसको मैंने मार दिया तो ये होगी अपनी टिप थ्री अभी बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ हमारी लास्ट एंड फर्स्ट टिप होने वाली है हाउ टू डू वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट अभी यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैंने इसको ड्रैग हेडशॉट मारा बहुत ही इजीली बहुत ही ओपी तरीके से एंड दूसरे वाले को उसको भी मैं मारूंगा तो अभी मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ड्रैग हेडशॉट आपको कैसे मारना है तो ड्रैग एडसॉट मारने के लिए आपको क्या होता? करना होता है अपने फायर बटन को नीचे करके ड्रैग करना होता है ऊपर मतलब रोटेशन ड्रैग जिससे कि आपका ड्रेग एडसॉट भी लग जाएगा जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो मैंने दोनों को ड्रैग एडसॉट मार दिया कैसे हमारा दूसरा पॉइंट भी यही होने वाला है कि वन टैप ही कैसे मारे तो वन टैप का भी एक ही सिंपल सा मेथड है कि आपको अपने फायर बटन को नीचे करके ऊपर खींचना है जैसे कि आप यहाँ पर देखो रोटेशन ड्रैग मारना है तो बहुत ही इजी है गाइज ये गाइज आप लोग प्रैक्टिस करोगे एंड जो भी टिप्स मैंने बताई है इस वीडियो में उन टिप्स को अगर करेंगे तो आप फॉलो करोगे तो गाइज आप लोग वन टैप और ड्रैग एंड गाइज आप मतलब एकदम फास्टेस्ट प्लेयर बन जाओगे जैसे स्टार खेलता है कोई भी जो फास्टेस्ट प्लेयर खेलता है भले पी प्लेयर हो या मोबाइल प्लेयर हो आप मैंने आपको जो टिप्स बताई उन सबको फॉलो करना आप लोग बहुत ही तगड़े एंड ईजिली खेल पाओगे तो आई होप कि guys, आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना यार क्योंकि मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक करना एंड आज से रेगुलर वीडियोज आएंगे और इसका वन टैप देखकर सब्सक्राइब तो बनता है जैसे कि यहाँ पर है सामने और जैसे देखो तुरंत नीचे खिचल ऊपर खिंचाओ हेड शॉट खाता तो लाइक करो सब्सक्राइब करो बाय बाय